लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कलर्स के वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड रियलिटी शो बिग बॉस की। बता दें कि बिग बॉस को लेकर फैंस के बीच पहले से ही एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जब से इस रियलिटी शो के सीजन 16 का प्रोमो आउट हुआ है, एक चीज तो साफ है कि नए सीजन में कई अमेजिंग ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। जहां इस प्रोमो में सलमान खान कई खुलासे करते हुए दिखाई दिए तो कहीं सस्पेंस भी बनाते हुए दिखाई दिए। अब माना ये जा रहा है कि शायद इस शो में कई नए कंटेस्टेंट्स की एंट्री हो सकती है, कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का नाम सामने आ रहा है, तो यहाँ पर छोटे पर्दे से भी कई एक्टर और एक्ट्रेसेस का भी नाम सामने आ रहा है। और अब इसी कड़ी में जुड़ चुके हैं स्टार प्लस के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मेन लीड यानी कि अभिमन्यु का किरदार निभाने वाले हर्षद चोपड़ा का। बता दें हर्षद चोपड़ा छोटे पर्दे पर अपनी एक ऐसी छवि बना चुके हैं जिससे फैंस हमेशा उन्हें प्यार देते हैं, लेकिन उनका ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं अभिमन्यु का कैरेक्टर कहीं ना कहीं फैंस के दिल को छू चुका है। जिस तरह से इस सीरियल में अक्षरा और अभिमन्यु की केमिस्ट्री दिखाई गई है, फैंस यहाँ पर काफी ज्यादा इस कपल को पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लिए अभिमन्यु को लेकर एक खुशखबरी भी है तो कहीं ना कहीं एक शॉकिंग न्यूज भी है। जी हाँ, आपको बता दें कि ऐसी खबर सामने आ रही है कि हर्षद चोपड़ा काफी जल्दी ये रिश्ता क्या कहलाता है शो को क्विट कर सकती है, और इसके पीछे की वजह है कि शायद उन्हें बिग बॉस से बुलावा आ गया है। हालांकि एक्टर की ओर से इस पर अभी कोई बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन अगर खबरों की माने तो सीजन 16 का हिस्सा हो सकते हैं हर्षद चोपड़ा। आपको याद दिला दें कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा का किरदार निभाने वाली शिवांगी जोशी पहले ही बिग बॉस की फाइनल कंटेस्टेंट की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि यानी नायरा की बेटी अक्षरा के साथ अपनी केमिस्ट्री बनाने वाले हर्षद चोपड़ा की केमिस्ट्री क्या शिवांगी जोशी के साथ बिग बॉस में देखी जाएगी, क्योंकि फैंस तो यही मान रहे हैं कि यहां पर शायद शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा के बीच एक अलग केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो आखिरकार हर्षद चोपड़ा को बिग बॉस के सीजन 16 में देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।